हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी फेसबुक पे पोस्ट को डिलीट कैसे करते हैं। अगर आपने फेसबुक में जाने अनजाने में गलती से कोई गलत फ़ोटो या वीडियो अपलोड कर दिया है तो आप उसे सिंगल डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल पोस्ट को वन क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं तो ये तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। सिंगल पोस्ट डिलीट कैसे करें और ऑल पोस्ट डिलीट कैसे करें वन क्लिक में, दोनों ही तरीके आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। फिर ऊपर की तरफ सबसे राइट साइड में आपको थ्री लाइंस दिख रही होगी, हमें सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। फिर हमें अपने नाम पर क्लिक कर लेना है। अब हम अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में आ चुके हैं। इसके बाद अब हमें नीचे आना है। यहाँ पर आपको वो सारी पोस्ट दिखाई देगी जो आपने अपलोड की है या किसी और के पोस्ट को आपने शेयर की है, तो वो सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी पोस्ट आपको डिलीट करना है हमें एक बार उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद ऊपर में आपको राइट साइड की तरफ थ्री डॉट दिख रहा होगा, हमें सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो हमें सिंपली यहाँ डिलीट फ़ोटो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डिलीट फ़ोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना है। डिलीट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो पोस्ट है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्ट डिलीट हो गई है। एक दूसरा तरीका भी है जिससे आपकी पोस्ट परमानेंटली डिलीट नहीं होगी, 30 दिनों के बाद ही डिलीट होगी, यानी कि फेसबुक से तो हट जाएगी लेकिन आप उसे रिसाइकल बिन वाले फोल्डर से 30 दिनों से पहले पहले रिस्टोर कर सकते हैं। ये तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये पोस्ट है, मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मूव टू रिसाइकल बिन का, तो हमें सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। फिर हमें मूव पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पोस्ट डिलीट हो चुकी है। पोस्ट डिलीट हो गई है लेकिन दोस्तों ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है, ये हमारे रिसाइकल बिन में चली गई है, वहाँ पर 30 दिनों के लिए रहेगी। आप देखेंगे फ़ोटो यहाँ से हट गया है। अब इस फ़ोटो को आप रिकवर कर सकते हैं, यानी कि रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। हमें सबसे ऊपर थ्री लाइन का साइन दिख रहा है, तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटी लॉक का, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो हमें यहाँ रिसाइकल बिन को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ दिखाई देगी जो आपने अभी डिलीट की थी। इससे आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। सिंपली हमें उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसे हम रिस्टोर करना चाहते हैं। फिर हमें नीचे रिस्टोर ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। डिलीट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी, फिर उस पर क्लिक कर लेना है तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाएगी, रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिस्टोर हो जाएगी, मतलब आपकी प्रोफाइल में ये वापस आ जाएगी। अब हम वापस आएंगे अपनी प्रोफाइल में और एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट वापस आ गई है। अब इसी तरह दोस्तों आप वीडियो को भी डिलीट कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल पोस्ट को वन क्लिक में डिलीट कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों आपकी प्रोफाइल में आ जाना है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा एक्टिविटी लॉक का, तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पब्लिक पोस्ट का, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपकी सारी पोस्ट दिखाई देगी, अगर आपने किसी और की भी पोस्ट शेयर की है तो वो भी यहाँ दिखाई देगी और ये सारी पोस्ट वन क्लिक में डिलीट हो जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है चलिए जानते हैं। ऊपर यहाँ ऑल का बटन आपको दिख रहा होगा, हमें ऑल पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ऑल पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा रिसाइकल बिन, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद मूव टू ट्रेस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी सारी पोस्ट डिलीट हो जाएगी, लेकिन इस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना है। फिर पेज को रिफ्रेश करना है, उसके बाद यहाँ से जो भी आपकी सारी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। ये सारी पोस्ट डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन फोल्डर में चली जाएगी, वहाँ पे 30 दिनों तक रहेगी। आप चाहे तो उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो रिसाइकल बिन फोल्डर में जाकर परमानेंटली सारी पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों दो आसान तरीका फेसबुक से पोस्ट डिलीट करने का।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।